नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। सोच रहा था कि क्या कहूं, भारत विश्व कप हार गया। और भारत विश्व कप हार गया, इसमें खिलाड़ियों की गलती है या नहीं है, ये अभी भ्रम की स्थिति है। लेकिन नरेंद्र मोदी की, अहमदाबाद के दर्शकों की, नरेंद्र मोदी पनौती है, ये सारी बातें विपक्ष के नेता कर रहे हैं। इनफैक्ट कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग करें, कोई दिक्कत नहीं। स्वयं को पत्रकार कहने वाले लोग नरेंद्र मोदी को पनौती कह रहे हैं। अहमदाबाद के लोगों को कोसा जा रहा है। तो मैंने सोचा आपको फैक्ट बताएं, थोड़ा सा आपको पास्ट में ले चलें। क्या है कि भूत में जाना आवश्यक। एक पत्रकार तो कह रहे कि भाई कोलकाता का क्राउड ग्रेट क्राउड है। क्या है कि भादों में जन्मा हुआ मेढक ऐसा बोला मुझसे, अरे बाप रे बाप, इस बार जैसा बारिश तो मैंने देखा ही नहीं। हम भी 1992 से क्रिकेट देख रहे हैं। 1996 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान कलकत्ता में दो बार ऐसी चीज, स्टेडियम में आगजनी हुई, सचिन तेंदुलकर को आके समझाना पड़ा, नहीं समझे। बाद में अजहर को आके समझाना पड़ा, नहीं समझे। अंततो गत्वा मैच जो है वो श्रीलंका को विजेता घोषित। तो आपने सोचा कि कोई बात नहीं, 96 का विश्व कप था, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था वेस्ट बंगाल में। एक बार फिर से 1999 में दोनों टीमें आमने सामने थी, भारत हार के कगार पे था। क्या हुआ उसके बाद? फिर से वही चीज, पत्थर फेंके गए स्टैंड में और फिर सचिन को आना था। तो ये वाला क्राउड ग्रेट क्राउड था, लेकिन अहमदाबाद के लोगों ने शांतिपूर्वक मैच देखा, अप्रिशिएट किया अपने खिलाड़ियों को। ये क्रिकेट फील्ड पनौती हो गया, ना नॉलेज है। और ये अपने आप को स्वयं संभू पत्रकार ऐसे लोग कहते हैं, शर्म की बात ये है इस देश के। 2011 के नॉकआउट मैच में जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और भारत ने नॉकआउट स्टेज में बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था। इसी स्टेडियम में मैच था, कहीं और नहीं था। इसी का नाम परिवर्तित करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया और भारत ने वो नॉकआउट मैच जीता। इसके बाद अभी पाकिस्तान वाला मैच, और भारत के पीएम गए क्यों थे? प्रश्न तो ये उठेगा ना भाई, ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे। भारत इस वर्ल्ड कप के सक्सेस को लेकर के दुनिया के आगे कुछ दिनों बाद ओलंपिक्स की दावेदारी ठोकना चाहता है, और ये बात प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कही है। लेकिन इस देश में कुछ लोगों को भारत की असफलता के साथ प्रधानमंत्री की असफलता या प्रधानमंत्री की कोई भी असफलता को इतना ऐसे बताना है कि जैसे सब कुछ समाप्त हुआ है और वो भारत की हार। आपको याद होगा कि कैसे कभी एक समय था जब नरेंद्र मोदी एटॉमिक ग्रुप के मेंबर्स के बीच में भारत का मेंबरशिप दिलाना चाहते थे, आपको याद होगा, नहीं मिल पाया। कितने खुश हुए थे ये वामपंथी, स्वयं को पत्रकार कहते, निष्पक्ष कहते, इसीलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं। चलिए वापस क्रिकेट पे आते हैं। और इन सबके बावजूद पनौती, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, मनमोहन सिंह एक छोड़ के गए थे, और ये 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नेहरूवियन थ्योरी और फलाना ढिमकाना बड़े बड़े इकोनॉमिक्स के ज्ञाता पिछले 60 साल में भारत को दे पाए, और नरेंद्र मोदी के शासन काल में ये सब अचीव हुआ मात्र 9 साल। इसके पहले तक ये बात जाती थी कि भाई रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं। अभी SBI ने एक आंकड़ा जारी किया, एम्प्लॉयमेंट रेट ऑल टाइम लो। अब भाई इस मुद्दे पे कैसे बात करें? तो राहुल गांधी ने स्विच किया है कि नहीं, अब हम OBC वाले मुद्दे पे जाएंगे, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, क्योंकि हिंदुओं को विभाजित करना है। एक प्लान है, सेट प्लान है, इस नैरेटिव पे काम किया जाए, क्योंकि इस देश में सरकारी नौकरी को आंकड़ा बना लिया गया था। और इस देश के 30-35 करोड़ वो लोग जिनके पास रोजगार के बेसिक संसाधन का भी कभी किसी ने नहीं सोचा, उसको प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया, वो स्वावलंबी बन गया। तो ऑब्वियस ही बात है, रोजगार वो जनरेट होगा, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं। चलिए कोई बात नहीं, वापस आते हैं पनौती। एक पनौती फैक्टर मैं भी बताऊं, कांग्रेसियों रोना मत,
1983 का विश्व कप जीता था, इंदिरा गांधी के समय जीता था, 84 में आई नहीं, निकल ली। एक और बताओ पनौती फैक्टर, 2011 में वर्ल्ड कप जीते थे मनमोहन सिंह, 2014 में आया नहीं। तो मेरे लिए वर्ल्ड कप तो 2024 का मैच है, मैं बहुत एकदम स्पेसिफिक होकर के ये बातें क्लियर कर दूं। लेकिन कमाल की बात है कि ऐसी ऐसी बातें हो रही है जिसको लेकर के आपको भी शर्म है, मुझे भी शर्म है और इस देश के लोगों को शर्म है। आइए कुछ उस मुद्दे पे बात करते हैं। अरब वर्ल्ड से साउद हफीज लिखते हैं कि यह है प्रधानमंत्री जो हार के बाद भी अपने क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ खड़ा है, जो शमी से मिलता है उसे पीठ थपथपाता है, रोहित से मिलता है, विराट कोहली से मिलता है, बोलता है कोई बात नहीं मैं हूं ना। आपको याद आता होगा चंद्रयान 2 का फेलियर, हाँ फेल हो गए थे, क्या हुआ, गए वैज्ञानिकों को ढांढस बढ़ाया, बोला कोई बात नहीं, तुम्हारा पीएम तुम्हारे साथ है, तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए ये सपोर्ट बताओ, अगली बार सफल लैंडिंग हो गया। ये मत भूलिए कि हमारे हॉकी के खिलाड़ियों के पास जूते खरीदने को पैसे नहीं थे और आज खेलो इंडिया के तहत 800 करोड़ रुपए ये प्रधानमंत्री जिसे तुम पनौती कहते हो ना कांग्रेसी, ये भारत के खिलाड़ियों को दे रहा है। कभी इसका पूछा है नीरज चोपड़ा से इसके बारे में, वो तुमको सही आंकड़े देगा। कभी पैसे ही नहीं हुआ करते थे, आज कुश्ती संघ में बहुत बवाल होता है किसी चीज को लेकर के, लेकिन कुश्ती संघ में स्थिति ये थी कि फीमेल खिलाड़ियों के पास अपने मैट को खरीदने के पैसे नहीं होते थे जिसपे वो प्रॉपर ढंग से प्रैक्टिस कर सके। ये कांग्रेस रीजन की वास्तविकता है, बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि पनौती कौन है। नरेंद्र मोदी के इस शासनकाल में ओलंपिक में इतिहास तो रचा, एशियन गेम में भी इतिहास रचा, क्यों, क्योंकि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिली। तो पनौती कौन है, खैर उस पर बाद में बात करें। तो जैसा मैंने कहा कि रिचर्ड मार्लोस आए हुए थे जो कि ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, तो क्या प्रधानमंत्री उस स्टेडियम में नहीं जाते। और उसके बाद देखिए जो डिप्लोमेट है वहां की अपलोड कर रही है कि हमारी दोस्ती ऐसी है, विदेश नीति तुम्हारी तरह पनौतियों से नहीं चलता। दरअसल तुम लोग पनौती नहीं थे, तुम लोग कुछ और थे, पता नहीं मैं क्या उचित शब्द का प्रयोग करूं। 26/11 मैं भूला नहीं हूं और 26/11 के बाद भी तुम पाकिस्तान का एक बाल ना उखाड़ पाया, तो स्वयं को दूसरों को पनौती कहने से तुमने जो देश के साथ गद्दारी की। अभी आया है रेलवे मैन, मैंने देखी वो वेब सीरीज, मुझे तो समझ में नहीं आता कि 15,000 लोगों के हत्याओं का, और इसमें सब थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फलाना ढिमकाना जाति जो आप एंगल जोड़ना चाहते हैं, वो हत्या थी गैस लीक। और एंडरसन को इस देश के सर्वोच्च पद पे जिनको जनता ने चुना था उन्होंने बिठा के भेजवाया अपने प्राइवेट कार में, बियर का बोतल हाथ में ले हुए वाह चिल करते हुए गया है। कितना सस्ता था जीवन, फिर भी मध्य प्रदेश के लोग अगर कांग्रेस को वोट करते तो मुझे वो पनौती आश्चर्य होता। पनौती नरेंद्र मोदी नहीं है, पनौती वो लोग थे। न लाज है न शर्म है न है, ये सब बातें सुप्रिया सिनोद कर रही। एक और कांग्रेसी रागनी नायक लिख रही, किसने बोला था मुंह उठा के स्टेडियम में पहुंच जाओ, यही तुम्हारी डिप्लोमेसी है, यही तुम्हारी फॉरेन डिप्लोमेसी है। दो मित्र देशों के बीच में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा है, वहां का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है और नरेंद्र मोदी नहीं जाते, रागनी नायक को भेजते, राहुल गांधी को भेजते। पनौती, हिंदुओं को हर बार शर्मसार करने के लिए कहते अंधविश्वास में चले। और यहां एकदम साइंटिफिक डेटा है कि भाई नरेंद्र मोदी और अहमदाबाद के क्राउड के वजह से अहमदाबाद स्टेडियम में मैच खेला गया इसलिए भारत है। भाई मतलब ग्रेटनेस है इनकी, ऐसी ग्रेटनेस ना आपने सदियों में कहीं सुनी होगी ना देखी होगी ना पढ़ी होगी, लेकिन सब माफ है। अगला वाला खतरनाक और है, श्याम मीना सिंह लिखता है धीरेंद्र शास्त्री से पूछ क्यों नहीं लिया कि जीतेंगे कि हारेंगे। एक ने लिखा भाई के अब बताओ, ये तो जनेऊ पहनने वाला ब्राह्मण था, इसको तो आरक्षण नहीं मिला था फिर भी हार गया था, ये तो टैलेंट से पहुंचा था।
क्या मानसिकता है। एक हार को आप पचा नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप ढूंढते रहते कि किसको कोसे। कुछ लोग सूर्य कुमार यादव को भी कोस रहे थे। मैंने सोचा मैं कुछ बोलूं। पांचवें नंबर पे आता है वो बैटिंग करने के लिए 40वें ओवर में। 42वें ओवर में केएल राहुल भी आउट हो जाते हैं। अब आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक फाइनल गेम में उस प्लेयर पे जो वर्ल्ड कप में कभी प्रॉपरली बैटिंग नहीं कर पाया। मैं लिख के देता हूं, आप इसी स्काई से एक दिन आप माफी भी मांगेंगे। सी इट्स नॉट, आप देखें कि हम कहां आ गए। क्रिकेट में हमने शमी, सिराज, अपना अपना जाति धर्म के हिसाब से 11 खिलाड़ी जो कि भारत के लिए खेलते, जिनके मन में ये कभी प्रश्न नहीं आया होगा। हम यादव है तो कुलदीप यादव, भाई वो भारतीय पहले है, वो भारत के लिए खेलते। रोहित शर्मा है, मैं हमेशा सोचता हूं कि भारत को एक कंट्री के तौर पर जोड़ सकूं, और जो सही मायनों में भारत की पहचान है। प्रधानमंत्री ने देखिए हारने के बाद भी टीम के साथ, और वो हर बार करते हैं, ऐसा नहीं है, जब भी मुश्किल समय होता है। अभी आपको महिला हॉकी की जीत की तो कहानी किसी ने नहीं बताई होगी, रिसेंटली पिछले महीने हुआ था। क्यों बताएं भाई, एशियन चैंपियन बन गई तो क्या हो गया, वो महत्वपूर्ण होता ही नहीं। ओलंपिक में जब हमारी बेटियां आ रही थी तो प्रधानमंत्री ने फोन करके ढाढ़ा बताया। लेकिन आप फिर बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी को हार पे जिम्मेदार, मतलब साले तुम्हारे पास उनको प्रॉपर स्नीकर और जूता देने को नहीं पैसा था, स्लीपर कोच में ट्रेवल करने को मजबूर थे हमारे खिलाड़ी, और तुम अपने आप को पनौती नहीं बोल करके नरेंद्र मोदी को पनौती बोल रहे, जो 800 करोड़ खेलो इंडिया में दे रहा है। न लाज है न शर्म है, अरे बेशर्म, थोड़ा थोड़ा शर्म कर ले। लेकिन कांग्रेसी ठीक बोला, अब मैं आज इस स्टेटमेंट को इंडोर्स कर रहा हूं। अगर नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बोला था तो यह वास्तविकता है, क्योंकि ये सब अपनी मूर्खताएं बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी वाला भी जोड़ लिया इन्होंने कि देखो देखो हमारी सरकार थी तो एक बार जीत गए थे। अरे भाई साहब, 1975 में तुम्हारी सरकार थी, 1992 में तुम्हारी सरकार थी, 87 में तो भारत में ही हुआ था, तुम्हारी ही सरकार थी, 96 में किसकी थी, फिर 99 में सरकार आई तो चलो बात ही खत्म हो गई, 2007 में तो पहले राउंड में बाहर हो गए थे। क्या किसी के सरकार के साथ क्रिकेट खिलाड़ियों का प्रदर्शन आता जाता है? पहले ये जय शाह पे लगे रहे, अब इन्होंने देखा कि भाई जय शाह के कार्यकाल में कितना भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं लेकिन बीसीसीआई तो राइज ही किया है, तो वो वाला एंगल चला नहीं सकते। समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह लिख रहे हैं, खेद है ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चल रहा है पनौती। नहीं, मैं समझ सकता हूं नफरत। देखिए, मुसलमानों का एक सेगमेंट है जिसका मैं नफरत समझ सकता हूं, उसको नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन से लेना देना नहीं है, उसको 4 ट्रिलियन जीडीपी से लेना देना नहीं है, उसको रोजगार के मामलों में सबसे अच्छे आंकड़े प्रस्तुत करने वाली अभी सरकार जो है उससे कोई मतलब नहीं। इनफैक्ट उन लोगों ने तो रकार दिया, बोला जो रवीश कुमार बोलेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार, क्या यही आपका डेटा है जो एसबीआई कह रहा है? जब मैंने बोल दिया कि एसबीआई अडानी को डुबा गया है और मैंने माफी भी नहीं मांगा, फिर भी एसबीआई की कैसे हिम्मत हुई कि वो एक आंकड़ा जारी करे, जबकि आपको पता है आंकड़े सिर्फ रवीश कुमार जारी कर सकता है। रवीश कुमार ना जारी करे तो दलायर जारी करेगा, दलायर ना जारी करेगा तो द प्रिंट, न्यूज लॉन्डे लॉन्डिया वाले जारी करेंगे, मतलब न्यूज लॉन्ड्री वाले हैं। न्यूज क्विक इन इन वाले भी, कम से कम चीन से आयातित आंकड़ा ही हम जारी करें, उसी को आप ऑथेंटिक मान लीजिए। अगर फिर भी नहीं तो आप क्लिप कटवा को उसके आंकड़ों पे के आधार पे आप मान लीजिए कि वही सही बोल रहा है। हम एसबीआई के आंकड़े को नहीं माने, इनफैक्ट हम कौन होते हैं, ये आईएमएफ वाले कौन होते हैं, हम उनके भी आंकड़े को नहीं मानेंगे। हम तो ये मानेंगे कि भाई लोग दुखी हैं। नहीं, सही बात है, मैं इस देश का हैप्पी इंडेक्स समझ सकता हूं। इस देश में 30-40% लोग हमेशा इस मातम में रहते हैं कि भाई मोदी सरकार से कब जाएगा। अरे भाई नहीं जाएगा, 2024 में भी 300 सीटें लेकर के आएगा, लिख लो, नोट कर लो।
और फिर ट्रेंड करेंगे कि पनौती कौन है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।